लग्न मभेष्ट दोहम। तीर्थास्पदम शिववीरम चिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। यस्येव स्फुरणं सदात्मकं सत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेद वचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवे भवो निधो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदं श्री दक्षिणामूर्तये मंगलमूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवो बारम ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवार ही सकल सुपूजन हो बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर बार बंदन करो श्रीनाभाभाये काढ्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल दे तुलसी सीताराम कह
मन में हो विश्वास। कब हो बिगड़त ना सुने, सीताराम को दास। सीताराम जय सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे। श्री सीताराम नाम महाराज की प्रेम से भाव से सभी कोई आंखें बंद करके थोड़ी गहराई में प्रवेश करके और थोड़ा आनंद में थोड़ा झूमते हुए मनोहर जोड़ी।
सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 अशरण शरण दया के धाम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम 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 अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अखिल हे प्रत्यनेक सर्वत्र विराजमान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गुणाधिष्ठान गुणाश्रय पीताम्बरधारी भगवान सर्वरूप सर्वनियंता श्री हरि परम पूज्य गुरुदेव पुरतः विराजमान काशी की शोभा बढ़ा रहे समस्त यतिवृंद संगीत को समलंकृत कर रहे समस्त गंधर्वगण बाहर से पधारे हुए समस्त भक्तगण तथा यजमान परिवार और बिरदोपुर के निवासी समस्त महिला मंडल तथा और भक्तगण भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से हम लोग भगवान के गुणों का गायन एवं श्रवण करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। आज गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव का द्वितीय दिवस कल हम लोगों ने बहुत सुंदर श्री भक्तमाल जी की पोथी यात्रा की सब पैदल यात्रा कर रहे थे और हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। बड़ा आनंद आया, बड़े सात्विक भाव से हम लोगों ने यात्रा संपन्न की। माताएं सब साथ में थी। कल चरित्र में हम लोगों ने भक्त प्रवर श्री नाभादास जी तथा गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में भी श्रवण किया। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइये। वैसे तो दो जगह दो बात कही गई है,
शरदा तप जिमि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक तरई। वहाँ नशा ही नहीं कहा, नशा ही नहीं कहा। तरई पाप टल जाता है, और एक जगह कह रहे हैं कि पाप नष्ट हो जाता है। तो संगति कैसे लगाएंगे? बोले दो बात, यदि केवल दर्शन होता है संतों का तो केवल दर्शन से पाप नष्ट नहीं होगा। जैसे चंद्रमा के दर्शन से आतप या संताप उष्मा समाप्त नहीं होता, क्योंकि फिर से प्रभात होता है और सूर्योदय के बाद फिर से धरती तपती है, फिर से उष्मा होता है। किंतु यदि सदा चंद्रमा का साथ मिले तो ही सदा शीतलता मिल सकती है। वैसे ही केवल संतों का एक बार दर्शन कर ले तो पाप टल जाता है। संत दर्स जिमि पातक टरई, टरई मतलब टल जाता है हमारी भाषा में। लेकिन इसका नाश कब होगा? आप लोगों ने अनुभव तो किया होगा, आप सब साल भर अपने घर में रहते हैं, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाने के लिए 5 दिवस के लिए आप लोग यहाँ आ जाते हैं आश्रम में। कोई कोटा से आए हैं, कुछ लोग दिल्ली से आए, कुछ पश्चिम बंगाल बराकर से आए, एमपी से आए, इटारसी से, मध्य प्रदेश अतरौली, जगह जगह से सब आए, आगरा से आए, पटना से आए। साल भर में जब ये समय आता है तो आपके मन में हलचल हो जाती है, टिकट बनाना है, कोई संदेश नहीं मिल रहा है, कैसे तैयारी होगी, कैसे आना होगा। दूर दराज से आप लोग चले आते हैं और यहाँ 5 दिन तक आप परिपूर्ण यहाँ का लाभ लेते हैं और फिर घर जाते हैं। कुछ दिन तक तो लगता होगा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, फिर घर में गए, फिर घुल मिल गए माया में, अजामिल बन गए, अजा के साथ मिल करके, अजया मिलितः इति अजामिलः। अजा मतलब माया, माया से जो मिल जाए उसका नाम अजामिल है, अजामिल बन जाते हैं। सचमुच में इसीलिए कहा कि इसका नाश ऐसे नहीं होगा, केवल दर्शन से तो टलेगा। कई बार ऐसा लगता है आप यहाँ 2 घंटे 3 घंटे सत्संग में बैठते हैं, कथा में, यहाँ तो बड़ा अच्छा लगता होगा, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, यहाँ का माहौल बदला हुआ रहता है। और जो ही घर पहुँचे, कुछ लोग तो कहते हैं महाराज घर की बात तो छोड़ो, ज्यों ही प्रसाद का स्टॉल के बाद सब कुछ बदला हुआ मिलता है। सचमुच में जब आप सत्संग पंडाल में प्रवेश करते हैं तो पाप वहीं इंतजार करता है, प्रसाद स्टॉल के बाहर। वापस में हमारे मालिक आएंगे, जो ही जाते हैं उसको आपका इंतजार रहता है। क्या उपाय है? जाए तो उसको मिले ना, या तो रास्ता बदल दिया जाए। भाई जिस रास्ते में कोई चोर कोई बदमाश पीछा करता करता आए, आप अंदर आ गए, अब जाना है तो क्या उसी रास्ते जाएंगे? वो तो इंतजार कर रहा है। पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि हो हल्की, जगत में खबर नहीं पल की। अरे भाई बात करे कल की, पोट है रास्ता बदलना होगा। अब यहां यहां बदलने से काम नहीं चलेगा, रास्ता बदलना होगा। जिस रास्ते से पाप पीछा कर रहा हो उस रास्ता को बदलना होगा। जिस रास्ते में पाप छू भी ना सके, स्पर्श भी ना कर सके, उस रास्ते पर चलना होगा।
पाप की परिछाई भी ना जा सके, ऐसे मार्ग का अनुसंधान करना होगा, ऐसे मार्ग से चलना होगा। वो मार्ग क्या है? यह संतों का मार्ग है। धावन निमिल्य न स्खले न पते, यह ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है कि इसमें आंख बंद करके दौड़ लगा दें आप, न गिरने का भय और न फिसलने का भय। ऐसा मार्ग है। हाँ, धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। से जगत रूठे तो रूठन दे।
बात में संतन की बैठ संगत में संतन की बैठ संगत में संतन की करो कल्याण में अपना करो कल्याण में
ऐसे ही होते हैं भक्तगण। भगवान कहते हैं कि मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, भगवान को अपना भक्त इतना प्रिय क्यों है? इसीलिए जरा सोचें, कोई व्यक्ति हो आपका नौकर ही क्यों ना, यदि वह नौकर कुछ आपसे मांगता नहीं, आपकी अहर्निश श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है, कुछ नहीं चाहता है बदले में, तो क्या आपका उसके प्रति लगाव नहीं होगा? होगा और ज्यादा होगा। मांग कर लेने वालों के प्रति तो उतना भाव नहीं बनता है, क्योंकि तो उनको विश्वास है कि ये मांगेगा और हम दे देंगे, नहीं मांगेगा तो कोई बात नहीं, शायद कोई आवश्यकता नहीं होगी, ये सोचेंगे। किंतु जो कभी नहीं मांगता उसके प्रति दायित्व तो और बढ़ जाता है, क्या पता आज इसके यहाँ क्या आवश्यकता, ये तो कभी बोलने वाला नहीं। जो व्यक्ति भगवान से कभी मांगता नहीं ना, उसके प्रति भगवान की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और ऐसे ही भक्त हुए श्री नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता जी वो कभी ठाकुर जी से कहते नहीं कि मेरा काम करना, सब दिन संकोच करते रहते, लेकिन भगवान है आकर याद दिलाते, मेहता जी ये काम है, ये काम बाकी है। गुजरात प्रदेश में जूनागढ़, वो सौराष्ट्र, सौराष्ट्र की धरती पर भक्त प्रवर से नरसिंह मेहता का आविर्भाव होता है। मेहता परिवार में ये नरसिंह मेहता पूर्व जन्म में सूर्यवंशी प्रतापी राजा मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए। आपने मुचकुंद का नाम तो सुना ही होगा, सूर्यवंश राजाओं का जब वर्णन होता है तो मुचकुंद का नाम आता है। बड़े दानी और बड़े प्रतापी, इतने प्रतापी थे कि इनका यश, इनका प्रताप स्वर्ग में गाया जाता था। और एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं के पक्ष से मदद करने के लिए यह स्वर्ग गए हुए थे और संग्राम में देवता को जीत दिलाई। बहुत काल तक युद्ध करते हुए बीत गया था, युद्ध जीतने के बाद सब देवताओं ने मिलकर आकर धन्यवाद आभार प्रकट किया। इंद्र ने कहा, देवराज इंद्र ने, कि महाराज हमारी इच्छा है कि आप कुछ मांग लें। मानधाता ने कहा, वैसे मांगा तो उससे जाता है जो बड़ा होता है, मैं मांगू ऐसा तुम्हारे पास है क्या? हमारे पास क्या नहीं है, क्यों मांगू? बोले, नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, आपका बहुत सम्मान है, बड़ा बड़प्पन है, फिर भी देवताओं का दर्शन मिथ्या नहीं जाता, अमोघ है, अमोघ दर्शन कहते हैं, देवताओं का दर्शन अमोघ होता है, मोघ नहीं जाना चाहिए, मिथ्या नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ आपको लेना चाहिए ताकि हम लोगों की प्रतिष्ठा बनी रहे, बची रहे। आपने हमारी प्रतिष्ठा के लिए संग्राम में इतने दिनों तक युद्ध किया है, हमारी इच्छा है कि आप कुछ मांग लें। महाराज मानधाता के पुत्र मुचकुंद ने कहा, यदि ऐसी बात है तो पहले बताइए कि इस वक्त हमारे राज्य में कौन कौन है।
देवराज इंद्र ने देखा और बताया कि महाराज आपके समय के जितने राजा थे वो सब चल बसे, आपके पुत्र पौत्रादि भी चल बसे, इतना काल आपको यहाँ हो गया, वहां आपको जानने पहचानने वाला कोई नहीं बचा, फिर आप क्या चाहते हैं? बोले अब कुछ नहीं, हम विश्राम करना चाहते हैं, लंबे समय तक युद्ध करते करते मैं थक गया हूं, इसलिए हमें विश्राम की व्यवस्था की जाए। देवराज इंद्र समझ गए। इंद्र ने कहा आप भारतवर्ष में अपनी भूमि पर जाइए, एक सबसे एकांत स्थान का चयन करके आप वहां विश्राम करें, मैं आपको वरदान देता हूं जो आपको विक्षेप करेगा निद्रा में।